स्वागत है आपका टेक्नो ब्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 10 स्मार्टफोन्स जिन्होंने इंडिया में सितंबर में लॉन्च होते ही धूम मचा दी, जिनके स्पेसिफिकेशंस और फीचर अप टू दी मार्क हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है, वो है एप्पल का। सितंबर में लॉन्च हुए एप्पल के 3 नए आईफोन, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो मैक्स। इन तीनों ही फोन में आईफोन की A13 बायोनिक चिपसेट है, जो कि अब तक के स्मार्टफोन के इतिहास में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। ये आपको पीक लेवल की परफॉर्मेंस देता है, इंटेंसिव गेम खेल सकते हो आप इसमें, और जो मल्टीटास्किंग है वो बड़ी ही ईजीली कर सकते हो। A13 बायोनिक चिपसेट में आपकी बैटरी की भी कम खपत होगी। iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि कमाल की क्वालिटी देता है। 12-12 मेगापिक्सल के 3 कैमरे हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस है और एक मैन लेंस है। तो ये तीनों कैमरे मिलके एकदम मक्खन, एकदम धाकड़ क्वालिटी की फोटोज़ देते हैं और वीडियोज़ देते हैं। इसमें आप अच्छी तरीके की स्लोफीज भी ले सकते हो, जो कि नया फीचर ऐड हुआ है, मतलब वीडियो वाली सेल्फी, वो भी स्लो मोशन में। कूल। iPhone 11 की कीमत शुरू होती है 65,000 रुपए से और खत्म होती है 1,43,000 रुपए तक। वाह। इस कैटेगरी में अगला जो नाम आता है वो है OnePlus 7T और 7T Pro। ये फ़ोन अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं और इन्होंने आते ही मार्केट में किल करना शुरू कर दिया है। OnePlus 7T और 7T Pro में Qualcomm Snapdragon 855 Plus SoC है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है Snapdragon का, जो कि फ्लैगशिप डिवाइस में यूज़ किया जा रहा है। ये प्रोसेसर आपको पीक लेवल की परफॉर्मेंस देता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है, हार्ड कोर गेमिंग कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें 7T और 7T Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा बैक में, जो कि होगा 48, 12 और 16 मेगापिक्सल का। वहीं ये जो 7T Pro में होगा 48, 8 और 16 मेगापिक्सल का। तो ये दोनों ही फ़ोन कमाल की क्वालिटी देते हैं। OnePlus 7T में है 3800 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। जैसा कि आपको पता है कि OnePlus के फ़ोन कितनी जल्दी चार्ज होते हैं, मतलब आधे घंटे में आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, कमाल की बात है। Android डिवाइसेस में Apple को जो कंपनी टक्कर देती है वो OnePlus और Samsung है। OnePlus 7T और 7T Pro की कीमत शुरू होती है 38,000 से और अंत होती है 65,000 पर। The next one is Samsung Galaxy S10 Plus। ये स्मार्टफोन बहुत ही फ्लैगशिप डिवाइस का स्मार्टफोन है। एंड्रॉयड के जो टॉप स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें से इसकी भी गिनती होती है। सैमसंग के जो डिवाइस हैं वो एप्पल को टक्कर देते हैं, सीधी सीधी टक्कर देते हैं, और ये स्मार्टफोन सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आता है सैमसंग एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर, जो कि सैमसंग का टॉप लेवल का प्रोसेसर है, मस्त एकदम परफॉर्मेंस देगा आपको, मल्टीटास्किंग भी बड़े आराम से कर सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि होगा 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और एक 0.3 मेगापिक्सल का लेंस, और फ्रंट जो कैमरा है वो होगा 10 मेगापिक्सल का। और ये जो कैमरा सेटअप है गैलेक्सी S10 प्लस का, वो बड़े ही मतलब है ना अद्भुत रिजल्ट देता है ब्रो, बहुत कूल। Oh yeah, bro. Samsung Galaxy S10 में 4300 mAh की ठीक ठाक बैटरी, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे ये कम लग रही है, क्योंकि यार 16,000 रुपए वाले स्मार्टफोन भी 6000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, तो Samsung को इतना तो सोचना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बैटरी है वो सपोर्ट करेगी फास्ट चार्ज को और वायरलेस चार्जिंग को। बात करते हैं Samsung Galaxy S10 Plus के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। 73,000 रुपए मेरे दोस्तों। तो अगर आप सैमसंग के डिवाइस के फैन हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप 73,000 रुपए लगाइए और आज ही सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस को अपने घर लाइए। द नेक्स्ट फोन इज Vivo V17 Pro। ये फोन एक कैमरा सेंटर्ड फोन है,
जिसके फ्रंट में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। जी हाँ, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का लेंस। बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का लेंस होगा, जो कि अगेन आपको क्लियर एज रियल फोटोज देगा। ये टैगलाइन मेरी नहीं है, ये ओप्पो की है, क्रेडिट गोज टू ओप्पो। ओप्पो V17 Pro में 4100 mAh की ह्यूमंगस बैटरी होगी जो कि सपोर्ट करेगी फास्ट चार्ज को। तो अगर आपको मतलब एक कैमरा सेंटर्ड फोन चाहिए तो आप Vivo V17 Pro को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फी के लिए भी आपका बड़ा ध्यान रखा गया है, ड्यूअल कैमरा सेटअप है तो अच्छी फोटोज देगा। अब बात करें Vivo V17 Pro की कीमत के बारे में, तो ये आपको ठीक ठाक कीमत में मिल जाता है, 30,000 रुपये में आपको फ़ोन मिल जाएगा मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको ऑर्डर कर सकते हो आप। और अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब मैं जिस फ़ोन की बात करने जा रहा हूँ वो फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, ना ही मिड रेंज बजट का स्मार्टफोन है, वो एक लो बजट रेंज का स्मार्टफोन है और वो है Redmi 8A। मतलब ये कमाल का फ़ोन है, जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है और जो स्पेसिफिकेशंस देता है ना वो अविश्वसनीय है। ये आपको देता है 5000 mAh की बैटरी, ड्यूअल बैक कैमरा, स्प्लैश प्रूफ बॉडी और टाइप सी का पोर्ट और फास्ट चार्ज का सपोर्ट। मतलब कमाल ही कर दिया, कंपटीशन को किल ही कर दिया रेडमी ने रेडमी 8A के साथ। तो अगर आपका बजट एकदम कम है, लो बजट है, तो आपके लिए ये फ़ोन एकदम बेस्ट है, आप रेडमी 8A परचेज कर सकते हो। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट फोन, दैट इज़ रियलमी XT। ये ऐसा पहला फ़ोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा आपको। इसके बैक में जो है कैमरा सेटअप वो क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो लेंस आपको मिल जाएंगे, ये पूरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 4000 mAh की इसकी बैटरी है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि है Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है। मतलब आप पबजी वन बिना रुके खेल सकते हो, मतलब एकदम हार्ड कोर पबजी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, शायद इसमें HDR मोड आपको ना मिले जिसकी उम्मीद थी। लेकिन अपनी कीमत यानी कि ये Realme XT आपको 16,000 रुपये में मिल जाएगा, अपनी कीमत के हिसाब से ये फ़ोन बहुत सही है और एकदम 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देता है। तो ये टॉप स्मार्टफोन्स दे जिन्होंने सितंबर में किल किया। अगर आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको टेक्नोलॉजी की मेरी वीडियो बनाई हुई पसंद है तो मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे का बटन दबा के।